हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और मैं आज आप लोगों को GNM सेकेंड ईयर के पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग बताऊंगी। इसमें हमारा पहला आता है पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन। पीडियाट्रिक वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसमें हम उसे तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पीडिया जिसका मीनिंग होता है चाइल्ड, आयरिक जिसका मीनिंग होता है ट्रीटमेंट और आइसिक जिसका मीनिंग होता है ब्रांच ऑफ साइंस। अर्थात पीडियाट्रिक साइंस की वह शाखा है जिसमें हम बच्चे की किस प्रकार हम केयर कर सकते हैं और जो बच्चों में चाइल्डहुड डिसीज जो होती है उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द टर्म पीडियाट्रिक इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसमें हमारा आता है पहला पीडिया जिसका मीनिंग होता है चाइल्ड, आयरिक जिसका मीनिंग होता है ट्रीटमेंट और आइसिक जिसका मीनिंग होता है ब्रांच ऑफ साइंस। उसके बाद हमारी आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमारा क्या आता है, पीडियाट्रिक वह मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम बच्चे की कंसेप्शन से लेकर अडोल्ट सेंस तक हेल्थ और इलनेसेस में किस प्रकार हम उसको केयर दे सकते हैं। और कंसेप्शन होता है कि जब जो बेबी है वो माता के वूम में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है उसको कहते हैं हम कंसेप्शन। उसके बाद हमारा आता है कि इसमें हम बच्चों को जो केयर है बच्चे की वो हम उसको किस प्रकार से देते हैं प्रिवेंटिव, कि उसको कोई भी डिसीज़ है जैसे ठीक है उससे किस प्रकार हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो आता है। प्रमोटिव जो है कि हम उसकी हेल्थ को किस प्रकार प्रमोट कर सकते हैं। क्यूरेटिव यदि बच्चे को कोई डिसीज़ हुई है तो हम उसको कैसे क्यूरेट कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको बचाव कर सकते हैं, क्या हम उसको कर सकते हैं। रिहैबिलिटेटिव में आता है कि जो बच्चा है उसको डिसीज़ हुई तो उसको वापस उसी अवस्था में किस प्रकार हम बच्चे को ला सकते हैं। अर्थात पीडियाट्रिक मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें हम बच्चे की कंसेप्शन से लेकर अडोल्ट सेंस तक हेल्थ में और इलनेसेस में किस प्रकार हम उसको केयर दे सकते हैं, वो जिसमें हमारा प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव आता है जिसमें कि हम बच्चों को केयर दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि वे कौन से फैक्टर है जो बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट डालते हैं और कौन से फैक्टर वे है जो कि बच्चे की हेल्थ में बाधा डालते हैं। तो पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो कि बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, मेनली जो होता है, सबसे मेन जो होता है वो होता है मैटरनल हेल्थ यानी कि माता का स्वास्थ्य। उसके बाद हमारा आता है फैमिली हेल्थ, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, इन्वायरमेंट, सोशल सपोर्ट और अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इसमें हमारा आता है पहले मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ क्या होती है, मैटरनल हेल्थ यानी कि जो माता का स्वास्थ्य है वो मेजर डिटरमिनेंट होता है बच्चे के स्वास्थ्य का, यानी कि मुख्य कारक होता है बच्चे के स्वास्थ्य का। यदि माता स्वस्थ है तो बच्चा भी क्या होगा, स्वस्थ होगा ठीक है। और जो उसका बेबी होगा यानी कि यदि एक हेल्दी मदर है उसका जो बेबी है, अगर बेबी माता हेल्दी है तो और बेबी भी हेल्दी है तो वो अच्छे से सर्वाइव कर सकेगा, उसके बेटर चांस होते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। उसके बाद हमारा आता है सोशल इकोनॉमिक जो होता है, जो सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन होती है फैमिली की यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति जो फैमिली की है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के स्वास्थ्य में। जैसे यदि फैमिली का सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होती है तो वो क्या करती है, बच्चे की हेल्थ में, उसके डेवलपमेंट में मदद करती है। यदि सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन फैमिली की पुअर है तो वो क्या करती है, बच्चे के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, उसका जो है डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। और जो यदि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा तो वह अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता।
स्पेशली हाँ, इसका मतलब है कि यदि फैमिली की सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है तो बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। उसके बाद हमारा आता है यदि माता इलिटरेसी है या सिकनेस है, यानी कि माता यदि किसी बीमारी से ग्रसित है तो वो उस डिसीज़ को, वो उस सिकनेस को कहाँ अगली जनरेशन में पास करती रहती है। उसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फेंट की और चाइल्डहुड की मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट में, ठीक है। यानी कि एक होता है इसमें हमारा मृत्यु दर, एक हमारा होता है कि बीमारी दर कितनी है, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे की हेल्थ को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारा आ गया, यदि बच्चा इन सैनिटरी या होस्टाइल इन्वायरमेंट में है, ठीक है, होस्टाइल यानी कि जो गंदा वातावरण है, प्रदूषित वातावरण है, यदि बच्चा वहाँ रहेगा तो उसमें बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी इलनेसेस, उसको बहुत सारे इन्फेक्शन या बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके वो हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यदि कोई नॉर्मल इंसान भी किसी होस्टाइल इन्वायरमेंट में रहता है या इनसेनेटरी इन्वायरमेंट में रहता है तो वो भी उसे एक हेल्दी ह्यूमन को क्या करते हैं, अफेक्ट करता है। वो तो बच्चा है फिर भी उसको काफ़ी अफेक्ट करेगा। यदि बेबी हेल्दी इन्वायरमेंट में है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी है, ठीक है, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है अपने इन्वायरमेंट से, तो वो क्या करता है, चाइल्ड के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। लास्ट हमारा आता है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट में क्या आता है, सोशल सपोर्ट में हमारा आता है कि जो कम्युनिटी है हमारी, यानी कि जो हमारा समुदाय है और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक हो गए, वे जो होते हैं वो हमारा कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कि वो ऐसी क्या योजनाएं बना रहे हैं कि बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, वो किस प्रकार बच्चे की हेल्थ को प्रमोट करने में कार्य कर रहे हैं कि बच्चा अच्छे से सर्वाइव कर सके, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एक जो बच्चे का स्वास्थ्य होता है उसको किस प्रकार, बच्चे को डिसीज़ में किस प्रकार केयर देनी है वो एक हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे से जानता है। तो यानी कि सोशल सपोर्ट भी बच्चे के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।